कृष्ण को स्पर्श करके अपना भाव को जब राधा रानी ग्रहण कर ली, फिर कृष्ण काले बने गए। जब काले बने गए, अभी कृष्ण सोच रहे हैं, भैया आज मैंने जब गोरे बन गया था ना, मैंने मेरा मैं तो आनंद भय हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं रस स्वरूप हूँ, मैं प्रेम स्वरूप हूँ, लेकिन आज मैंने जब राधा रानी की अंग क्रांति को धारण किया, मेरे को आज एक दिव्य आनंद की अनुभूति। जरूर ये राधा रानी का प्रेम में कुछ महत्व है, इसलिए उन्होंने कलि युग में श्री सच्चिदानंद गौर हरि भक्त करके इसी जगत में आए और सर्वत्र उन्होंने हरि कीर्तन को उन्होंने प्रचार किया। इसलिए एक समय काले से कृष्ण गोरे हुए थे, लेकिन और एक समय कृष्ण काले से गोरे हुए, बोले साहब एक समय श्री नारद जी भगवान कृष्ण से प्रश्न किया, बोले प्रभु सारा दुनिया कहते हम कृष्ण के भक्त, कृष्ण के भक्त, कृष्ण के भक्त, लेकिन इस सारे भक्तों में तुम्हारे सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है बता। कृष्ण ने कहा देखो समय आएगा ना, समय आएगा तो मैं बता दूंगा। एक दिन कृष्ण जान बुझ कर उन्होंने बुखार और सर दर्द की लीला की। अभी वसुदेव महाराज ने बच्चे बुलाए, दवा भी दिए, लेकिन कोई सही नहीं हुआ। इतने में नारद जी आए, बोले प्रभु आपका नाम लेने पर जी भव सागर से पार हो जाता है, लेकिन आपका सर दर्द और बुखार ये बड़ा अद्भुत बात है, बता आप भी बता सकते हो आपकी सर दर्द बुखार कैसे सही होगा, आप भी बता सकते हो, बताओ क्या करना पड़ेगा। बोले देखो अगर मेरे कोई प्यारे भक्त हो, वो अपना चरण धूलि मेरे को दे दे और उसी चरण धूलि से मेरे को स्नान कराया जाए ना, फिर मेरा बुखार सर दर्द सही हो जाएगा। बोले नारद सारा दुनिया कहती तू मेरे परम भक्त हो, थोड़ा चरण धूलि दे दो। बोले राम 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 राम, प्रभु आपका चरण धूलि देकर के मेरे से गलत बचना चाहते हो, आप तो मेरे मालिक है, आप तो मेरे प्रभु, मैं कैसे अपना चरण धूलि दे सकता हूँ, क्या नरक भेजना चाह रहे हो। बोले तुम नहीं तो, बोले प्रभु आप कैसी बात कहते हो। बोले यहाँ पर बहुत सारी भक्त है, उद्धव महेश सात्विक बहुत सारी भक्त है, बस जाओ किसी भक्त से ले आओ। अरे नारद जी जहाँ जहाँ गए, नारद जी को तो गाली गाली नारद जी को मिला। बोले तो ये मुँह से ये बात निकाला कैसे, भगवान को अपना कभी चरण धूलि दे सकते हैं, हम कभी सोच भी नहीं सकते हमारे प्रभु दे। जब किसी ने नहीं दिया, नारद जी उदास होकर के लौट करके आ गए कहाँ कृष्ण के पास में। कृष्ण ने कहा क्यों नारद जी चरण धूलि मिला। बोले प्रभु आप ऐसे भी चीज मंगवाए सारा दुनिया में ताली बटक निकाला, कोई नहीं दिया। बोले नहीं, बोले तो वृंदावन गया ना कि नहीं। बोले प्रभु केवल सब जगह में तो गया, केवल वृंदावन नहीं गया। बोले क्यों, मैंने सोचा वो गांव में रहने वाले गुजर ही है। कौन है देखो यहाँ आज बहुत सारी गुजरी आज है, आज बहुत सारी गुजर, इसलिए गुजर या खेल खोल खिवरिया तेरे घर में आया, इसलिए यदि ये गुजरी ये कट्टा बीनने वाली और दधी मंथन करने वाली, भैया इनको भक्ति भक्ति क्या पता है और गांव में रहते हैं, इसलिए मैंने गया ही है। कृष्ण ने कहा नारद जी अगर मेरे कोई सही भक्त है ना, केवल वही मिलेगा, केवल वही वृंदावन में जो गुजरी है ना, जो गुजरी मेरी सही भक्त है, इसलिए बोले ठीक है एक बार जाता हूँ। अभी नारद जी आए यहाँ पर वृंदावन में, अभी जितने ब्रजवासी सबके सब एक कटे हो गए। बोले हमारे लाला कन्हैया कैसे, हमारे लाला कान्हा कैसे, बोले उनका सर दर्द और बुखार है, बोले दवा दिया ही नहीं, बोले दवा का लेने के लिए आया हूँ। कृष्ण बोले कोई भक्त अगर चरण धूलि देते उसमें स्नान कराया जाए तो सही हो जाऊंगा। बोले कोई बोरी बोरी लाया कि नहीं लेने के लिए। बोले क्यों, बोले ले जाओगे कैसे, जितने गुजरी थी ना है सब गुजरी और जितने गुजर थे सबके सब क्या किया उन्होंने, प्यार को रगड़ रगड़ करके धूल निकाले और वो धूल को इकट्ठा करके पोटली बांध करके नारद जी को सर पर दे। बोले जाओ इसको लेकर के कृष्ण को स्नान करा दो। नारद जी ने क्या क्या बाबर बन गए हो, तुमको पता नहीं कृष्ण भगवान और चरण धूलि देकर नरक का रास्ता खाली कर रहे हो। बोले नारद जी देखो गुजरी कितने भक्त, कितने बड़े बड़े भक्त है, हैं, इसलिए अभी जितने प्रचार है ना गुजरी गाँव में हो रहे, कई गाँव में आदि गाँव में है सब गुजरी गाँव में प्रचार हो रहे हैं, इसलिए बोले अगर कृष्ण के सुख के लिए एक जन्म नहीं, अगर करोड़ों जन्म के लिए हमें नरक क्यों जाना नहीं पड़े, हम जाने के लिए तैयारी, लेकिन कृष्ण का दुख लेने के लिए तैयारी।
इसलिए हम तो करोड़ों काले के नरक चले जाएंगे। नारद जी ने देखा भैया असली भगत तो यही पर ही है, गुजर ही गुजर असली भगत है, हैं असली भगत है। इतने में उन्होंने वो चरण धूलि को लेकर के गए, कहाँ पर गए, उन्होंने द्वारका में, और भगवान को उसी चरण धूलि में स्नान कराया। तब अगर चरण धूलि में स्नान करा तो क्या रंग हो जाएगा, वो काले से गोरे हो, काले से गोरे हो गए। अरे वाह, काले से ही किसका चरण धूलि, ब्रजवासियों का चरण धूलि। मान आज कृष्ण काले से, ब्रजवासियों का चरण धूलि से आज कृष्ण गोरे बने, और जितने काले से गोरे बनना चाहते हैं सब काले से गोरे बनने चाहते हैं। इसलिए कृष्ण की मन में भी इच्छा होता है भैया मैं भी तो काला, कभी मैं भी तो कभी गोरा बनो। इसलिए आज देखोगे ब्रज रज में भगवान आज अभिषिक्त हुए हैं और आज भगवान गोरे हैं, हैं? इसलिए जो गोरे रंग है ना, फिर कुछ धूल में तो कृष्ण स्नान करके गोरे बने, लेकिन नारद जी कुछ धूल को लेकर कहाँ गए, नारद जी गए नवद्वीप, और वहीं पर ब्रजवासियों का चरण धूल को उन्होंने वहीं पर फेंका। फेंका तो वो जो नवद्वीप धाम श्री चैतन्य महाप्रभु का जो धाम क्या है, बल्कि ब्रजवासियों का चरण धूल को द्वारा ही श्री ये नवद्वीप धाम बना, श्री नवद्वीप धाम। इसलिए श्री शंकर जी कहते पार्वती पृथ्वी में जितने सारे तीर्थ है, सारे तीर्थ में करोड़ों करोड़ों बार कोई चले जाए, सारे तीर्थ में उसमें जो पुण्य मिलेगी, अगर एक बार कोई श्री नवद्वीप धाम में जा करके वहां परिक्रमा करे, वहां का धूल लगाए, उससे करोड़ों गुना ज्यादा फल मिलेगा जो नवद्वीप धाम में परिक्रमा करता है। इसलिए कृष्ण लीला में जितने लोग अपराध किए, ब्रह्मा और श्री इंद्र, लेकिन माफी उनको कहाँ अपराध होगी, कहते से नवद्वीप धाम में, जो नवद्वीप धाम परिक्रमा करेगा पृथ्वी का सारे तीर्थ परिक्रमा करने का फल मिलेगा, और उसका जितने अपराध है ना सारे अपराध उसके नष्ट हो जाएगा। इसलिए नवद्वीप धाम को जाना चाहते हो, कौन जाना चाहते हो, देखो हमारे श्री काले जी दीदी है ना, काले जी दीदी यहाँ पर है, बस जितने गुजर थी ना गुजर सबको उन्होंने एरोप्लेन में ले गए। इसलिए जो चाहते हो आप उनसे मिलना, आपको वो ले जाएगी कहाँ पर, श्री नवद्वीप धाम ले जाएगी अभी काले जी दीदी वहाँ पर। इसलिए अभी जी ठाकुर का दर्शन मिलेगा, इसको बाद में आमी पाना है वहाँ पर, सबसे सब बिना बढ़िया पेट भर करके, और इसको बाद में श्री वहाँ पर राधा दामोदर मंदिर और श्याम सुंदर मंदिर दर्शन करना करके फिर जाना। अगर रात को जो रुकेगा ना फिर तो बढ़िया प्रसाद बन रहा है, फिर प्रसाद पा कर जाओ, और अभी जो चले जाओ चले जाओ, ठीक है। अभी ठाकुर का बढ़िया दर्शन, अब दर्शन करो, बस राधा।